यार ये बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये वाला इसको चेंज करना है। आइडिया सिद्धू, ये बैकग्राउंड ठीक है? ना और ये वाला? ना और ये? ना, ये बता, ये ठीक है, ये बढ़िया है। ये सही है? चलो इसको सेट रहने देते हैं। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कामेश जी टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको क्रोमा की मदद से ये पीछे का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं मैंने कैसे चेंज किया वो सिखाने वाला हूँ, और आप देख पाएंगे कि मैंने वो चेंज कैसे किया है, कैसे उसका सेटअप बनाया है, कैसे मैंने काइन मास्टर में जाके उसको चेंज किया है। पूरी तरह से आपको समझाऊंगा बहुत ही कम समय में, और आप सीख पाएंगे। आप अपने बैकग्राउंड को कैसा भी बैकग्राउंड बना सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। और जैसे कि मैंने पहले एक ग्रीन पर्दा ख़रीदा, ग्रीन पर्दा पहले इंस्टॉल किया, कितने रुपए का पर्दा आएगा, कैसे उसको आप बना सकते हैं, कैसे आप उसको इंस्टॉल करते हैं, ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। और आप अपनी वीडियो में पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। इन 5-6 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा ज्ञान, इसका पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं और सीखते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ खड़े होकर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा रूम है जहाँ पे जो पीछे का जो बैकग्राउंड दिखता है आपको ये होता है, और इसमें दोनों साइड में पर्दा है जिसको कि मैं रिमूव करने वाला हूँ क्रोमा की से। गाइज ये है वो कर्टेन जो मैं लेके आया हूँ, ये है वो पर्दा जिसे मैं यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ इस दीवार पर, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे काइन मास्टर में, और मैं आपको बता दूं कि काइन मास्टर का मैंने प्रीमियम ले रखा है जिससे कि इसमें वाटरमार्क ना आए। सबसे पहले करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से यही वाला स्क्रीन हम सेट कर लेंगे 16:9 वाला क्रिएट। उसके बाद इमेज एसेट, यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे 500 प्लस मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड पहले से डाउनलोड कर रखा है। आप देख सकते हैं कि 500 प्लस बैकग्राउंड मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है। इसमें से कोई भी बैकग्राउंड मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई भी बैकग्राउंड को मैं चूज कर सकता हूँ। तो आप ये सारे बैकग्राउंड को आप डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो होम का बटन बना हुआ है यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद इसको यहाँ पर देखेंगे, आप कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इमेज के आइकॉन पर क्लिक किया, तो यहाँ से आप ये सारे जो बैकग्राउंड हैं ये बैकग्राउंड में लगाने के लिए हैं, तो इसको आप सबको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से बैक जाएंगे, मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के लिए किसी एक बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड हमने ले लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से खींच कर बैक जाएंगे। उसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, लेयर पर मीडिया पर क्लिक करेंगे, मीडिया के बाद आपने जो वीडियो को आप जिसका बैकग्राउंड चेंज करना है वहाँ पर जाएंगे। ओपन कैमरा में मेरी वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे पहली वीडियो पर। उसके बाद ये जो है वीडियो आ चुकी है, इसमें लेयर बन चुकी है। अब अगर आपको ये क्रॉप करना है कहीं से तो क्रॉप आप कर सकते हैं ये क्रॉप की मदद से, यहाँ पर इसको कितना भी छोटा कितना बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे, नीचे ये वाला ऑप्शन क्रोमा की, ये है मेन मेन ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ एनेबल, इसको ऑन करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो की कलर लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे। की क्लिक करने के बाद कोई जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमारा क्योंकि ग्रीन है, ग्रीन कलर को चूज करेंगे, ओके किया। उसके बाद इसे हम माइनस प्लस करके ये चेंज किया जा सकता है आराम से, तो यहाँ देख सकते हैं आप लगभग 90% ये हो चुका है। और भी ठीक करना हो तो यहाँ पर इसको और भी आप फंक्शन मिलेंगे आपको ठीक करने के लिए, यहाँ से ठीक करेंगे, बैक जाएंगे, और बड़े ही आराम से बड़े ही स्मूथली तरीके से आप इसको चेंज कर पाएंगे। अब इसको वीडियो को प्ले कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड हमारा चेंज हो चुका है। मैं कैसे मूव करूँ, ये बैकग्राउंड वही रहेगा, आप वहीं की सेटिंग से इसको कैसे भी आप चेक कर सकते हैं। कहीं पर आप अगर कहीं हल्का आ रहा हो तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। ठीक कैसे करेंगे, वहीं फिर से क्रोमा की में जाएंगे, और क्रोमा की में जाके ये डिटेल कर्व करके लिखा हो इस पर क्लिक करेंगे, ये और अच्छे से ठीक हो जाएगा। जो अगर कोई कमी रह गई हो तो यहाँ से क्लिक इसको ठीक कर सकते हैं हम, बैक जाएंगे।
प्ले किया, अभी भी इसमें थोड़ी कमी रह गई है। यहाँ पर आप शो मास्क कर सकते हैं, अगर कोई कमी होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं। डिजेबल करेंगे, अब आप देख सकते हैं ये 99.9% तक ठीक हो चुका है। वीडियो प्ले करेंगे, मान लिया ये बैकग्राउंड हमें ठीक नहीं लग रहा, यहीं पर इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस पर क्लिक करेंगे, जो हमने लिया है इस पर क्लिक करेंगे, रिप्लेस पे करेंगे, रिप्लेस पे करके इमेज एसेट पे करेंगे, फिर यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी कलर हम जैसे कोई भी चेंज करना हो तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए अब ये हो चुका है, बैकग्राउंड आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्रोमा की का यूज करके और ग्रीन पर्दे का यूज करके आप इसे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से।